अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दिया ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो देखिए आज हम बात करेंगे आम के बारे में जो अपने छत और गार्डन में लगाने के लिए सोच रहे हैं। तो जो मैं आपके लिए जो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा वेराइटी लेके आया हूँ, ये वेराइटी 100% इंडियन है और एक हाइब्रिड वेराइटी है जो अपने छत और कंटेनर में लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। देखिए पहले हमारे पास कुछ ऑप्शन था नहीं, जिसके कारण हम क्या करते थे कि हम विदेशी आम अपने छत और गार्डन में लगाते थे और उसमें अच्छा फ्रूट लेते थे, क्योंकि वो विदेशी जो था वो काफ़ी ड्रॉप वेराइटी आता था और साथ ही साथ वो देखने में भी सुंदर था। उस समय हमारे इंडिया में ऐसा कोई वेराइटी था नहीं जो हमें देखने में सुंदर हो और ड्रॉप वेराइटी हो, सिर्फ अमरपाली था, बाकी उतना आम था नहीं। पर अभी के डेट में देखा जाए तो विदेशी से कई गुना अच्छा हमारे इंडियन हाइब्रिड मैंगो इंडिया में अवेलेबल है और नर्सरी में मिल भी रहा है, और देखा जाए तो विदेशी से कई गुना ज़्यादा अच्छा भी टेस्ट में भी है, फ्लेवर में भी है और मिठास में भी है और सुंदरता में भी है। जब भी हम गार्डनिंग करना चाहते हैं तो रूफटॉप हो या कंटेनर हो, तो हमें सबसे पहले अच्छा वेराइटी चेक करना पड़ता है जो ड्रॉप वेराइटी हो और दिखने में आम काफ़ी सुंदर हो और काफ़ी अच्छा टेस्ट हो, काफ़ी अच्छा फलन हो। तो वो हिसाब से जो मैं वेराइटी लेके आया हूँ ये हाइब्रिड इंडियन वेराइटी, ये सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं है बल्कि इसके में काफ़ी ज़्यादा फ्रूटिंग भी होता है और काफ़ी अच्छा फल का टेस्ट भी होता है, और कहीं ना कहीं देखे तो विदेशी को 100 गुना ज़्यादा बेटर है अपना इंडियन मैंगो है। तो जो पहला नंबर पर वो है आपका अंबिका मैंगो। अंबिका मैंगो सबसे बेस्ट और सबसे एक अच्छा वेराइटी माना जाता है, और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो पुरस्कार जीतने वाला आम में से एक आम हो गया अंबिका मैंगो ही है। अंबिका मैंगो ने बहुत सारा पुरस्कार जीता हुआ है, और छत गार्डनिंग करना चाहते हैं तो कंटेनर में लगाने के लिए सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा वेराइटी अंबिका मैंगो आता है। इसका जो फ्रूट का साइज है वो काफ़ी अच्छा आता है, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी पर ये भी चला जाता है, जिसका साइज है वो आपका 300 से 500 ग्राम तक जाता है, और इसका जो कलर है वो भी काफ़ी बेस्ट होता है, काफ़ी सुंदर होता है, और इसका जो फ्लेवर है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो अंबिका मैंगो देखा जाए तो हाइब्रिड में सबसे बेस्ट मैंगो माना जाता है और सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीतने वाला आम आया है, और इसमें सिर्फ फलन देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इसमें फलन होता है, हर साल ये फलन होता है, काफ़ी छोटा से छोटा हाइट में भी इसमें फ्रूट पकड़ता है, और फ्रूट पकड़ता है उस फ्रूट का जो पकड़ने की क्षमता है वो 99% है, मतलब आप देखेंगे तो इसमें जितना भी फ्रूट लगता है उसमें ड्रॉप ना के बराबर होता है, बहुत ही कम ड्रॉपिंग मिलता है अंबिका मैंगो में। तो अंबिका सबसे बेस्ट और एक अच्छा वेराइटी है, ये आपका हर साल फल देने वाला जाति में से आता है, और साथ साथ देखेंगे तो हाइब्रिड किस्म का ड्रॉप वेराइटी है जो गमले कंटेनर में इसमें लगाया जा सकता है और इसमें फल ले सकते हैं। कंटेनर में आपका लगाते हैं 40 से 50 किलो का कंटेनर में, तो आप इसमें बहुत ही अच्छा फल ले सकते हैं हर साल, और इसका ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा होता है। तो ये वेराइटी सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा वेराइटी है, विदेशी में से भी सबसे बेस्ट और एक अच्छा वेराइटी आपका अंबिका मैंगो माना जाता है। अब जो आपका दूसरा नंबर पे है वो है आपका पूसा प्रतिभा। पूसा प्रतिभा गमले में लगाने के लिए ये भी काफ़ी बेस्ट और काफ़ी अच्छा वेराइटी है, इसका जो फलन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ये भी एक ड्रॉप वेराइटी, इसका हाइट ज़्यादा जाता नहीं है ज़्यादा, पर इसका जो फलन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, पूरा का पूरा आम आप देखेंगे तो इसमें नीचे तक आ जाता है, इतना ज़्यादा इसमें फलन होता है, और ड्रॉप वेराइटी होने के कारण ये भी गमले में और कंटेनर में काफ़ी ईजी तरह से लगाया जाता है, इसका जो टेस्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है, सुंदर में भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा इसमें भी फ्लेवर आता है। तो पूसा प्रतिभा छत और गार्डनिंग में लगाने के लिए सबसे बेस्ट और एक अच्छा वेराइटी माना जाता है, और इसको लगाया जा सकता है छत और गार्डन में काफ़ी इजी और काफ़ी अच्छा फूल ले सकते हैं। अब आपका तीसरा नंबर पे है वो है आपका अरुणिका मैंगो। अरुणिका मैंगो भी देखा जाए तो सबसे बेस्ट, सबसे सुंदर, सबसे ज़्यादा मिठास आम में से एक आम माना जाता है, इसके जितना मीठा अभी के डेट में कोई आम कम ही मिलता है। इसका जो TSS माना जाता है 24 है, मगर इसका 24 से भी ज़्यादा TSS चला जाता है, अब 26-27 तक इसका TSS पहुंच जाता है अगर अच्छी तरह से पक जाए तो, और इसका जो मिठास है वो काफ़ी ज़्यादा है, गमले में कंटेनर में लगाने के लिए काफ़ी अच्छा ये भी वेराइटी माना जाता है, और इसका जो फलन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा, हर साल बहुत ज़्यादा ही फल होता है, और काफ़ी टेस्टी और काफ़ी मीठा और काफ़ी अच्छा फ्लेवर भी आता है आम में, और काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी देखने में लगता है आम, पक जाने के आम में काफ़ी ज़्यादा सुंदर आम दिखता है। तो ये देखा जाए तो अरुणिका जो मैंगो है वो काफ़ी बेस्ट मैंगो है, ये भी गमले में कंटेनर में लगाया जा सकता है, ईजी ग्रो है
और काफ़ी अच्छा फल ले सकते हैं। अब जो आपका चौथा नंबर पे है वो है आपका अर्का सुप्रभात। अर्का सुप्रभात इसको बेंगलुरु में इसको तैयार किया गया वेराइटी है, और ये वेराइटी सबसे बेस्ट और अच्छा वेराइटी ये है कि ये वेराइटी अभी लेटेस्ट वेराइटी है। ये वेराइटी आपका नर्सरी में नहीं मिलेगा, ये आपका ऑनलाइन अप्लाई करने पे ही ये वेराइटी मिलता है, क्योंकि आपके हर नर्सरी में इसका अभी लाइसेंस मिला नहीं है, जिसके कारण आप देखेंगे तो सिर्फ इसको ऑनलाइन ही या आप नर्सरी में बेंगलोर का जो नर्सरी है इसका उसमें ही आप जाके इसको अप्लाई करके ले सकते हैं। पर ये आम है सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा आम है, इसको आम्रपाली और एक और अरकान मोल है, ये दोनों का क्रश करके इसको तैयार किया है। सुप्रभात अर्का सुप्रभात देखा जाता है एक लेटेस्ट वेराइटी है, काफ़ी ज़्यादा फल देने वाला है माना जाता है। ये आपका 4 साल में ही आपका एक आम से 50 किलो तक फल दे सकता है, और अगर ये आप कंटेनर में लगाते हैं तो आपका 4 साल में मिनिमम आपका 15 से 20 किलो फल आपका ये भी दे देगा, आपका कंटेनर गमले छत पे भी अगर अच्छी तरह से केयर करते हैं आम में तो। और ये आम इतना ही नहीं, आम का जो फलन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, हर साल फल होता ही है, साथ ही साथ इसका जो फलन होता है वो गुच्छों में होता है, मतलब एक साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा आम लगता है, आम्रपाली की तरह ही आम लगता है। काफ़ी ज़्यादा मीठा भी है, TSS इसका भी आपका चला जाता है 22 तक TSS भी है, फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा माना जाता है, और ये काफ़ी लेटेस्ट और काफ़ी अच्छा वेराइटी है जो छत और गार्डनिंग मिल्क लगाने के लिए तो सबसे बेस्ट वेराइटी अभी के डेट में माना जाएगा। अभी ये आम लेटेस्ट वेराइटी अभी मार्केट में आया नहीं है, मगर ये गमले और छत में लगाने के लिए देखा जाए तो शुरुआती दौर में नंबर 1 हो सकता है। और आपका जो 5वां नंबर पे है वो है आपका सिंधू मैंगो। सिंधू मैंगो भी देखा जाए तो काफ़ी बेस्ट और एक अच्छा वेराइटी है, ये एक लेखा से इसका सीड काफ़ी ना के बराबर होता है, काफ़ी पतला इसका सीड होता है, और मिठास आपका देखा जाए और टेस्ट और सेम टू सेम अल्फांसो मैंगो से ही मिलता है, क्योंकि अल्फांसो मैंगो के साथ इसका क्रश किया गया है। पर अल्फांसो मैंगो आपको पूरा साल फल नहीं देता है, ये पूरा हर साल फल देता है और ड्रॉप वेराइटी है, तो सिंधू भी काफ़ी अच्छा काफ़ी टेस्ट और काफ़ी बेस्ट वेराइटी है। जो लोगों का अल्फांसो खाने का शौक है और बाकी वेदर में होता नहीं है वो सिंधू मैंगो लगा सकता है, क्योंकि सिंधू मैंगो आपका ऑल इंडिया हर क्लाइमेट में अच्छा हो जाता है, इसका जो टेस्ट होता है वो आपका अल्फांसो मैंगो से ही मिलता जुलता है, तो ये काफ़ी अच्छा काफ़ी बेस्ट वेराइटी है। तो ये भी आप छेद अपने छत और कंटेनर में लगा सकते हैं, इसमें भी फलन काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी बेस्ट फलन भी होता है और काफ़ी अच्छा मैंगो भी होता है। तो ये 5 मैंगो है बोला हूँ, ये 5ों हाइब्रिड मैंगो है, हर साल फल देने वाला है, फल थोड़ा नहीं आपका बहुत ज़्यादा फल देता है, और इसको कंटेनर में छत पे लगाया जा सकता है और काफ़ी इजी ग्रो भी है और काफ़ी टेस्टी भी है और काफ़ी सुंदर भी है। तो ये 5 अगर आप सोच रहे हैं अपने छत और गार्डन में आम के पौधे लगाने के लिए, तो आप सबसे पहले 5ों में से कोई वेराइटी लगा के देखिए, काफ़ी अच्छा जो आपका मिलता है आपका नर्सरी में, तो आप लगा के आप चेक कीजिए, काफ़ी ज़्यादा काफ़ी खुश कर देगा, काफ़ी सुंदरता में से एक माना जाता है। ऐसा ही वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।